नाइजीरिया ने माना भारत का लोहा, खरीदेगा 4 मेड इन इंडिया प्रचंड हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए नाइजीरिया सॉफ्ट क्रेडिट की व्यवस्था कर रहा है। नाइजीरियाई सेना के अफसर ध्रुव हेलीकॉप्टर उड़ाने की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जल्द ये डील होगी। डिफेंस सेक्टर में भारत का फोकस खुद को आत्मनिर्भर बनाने का है। यही वजह है कि पिछले कुछ साल में कई रक्षा उपकरण, हथियार और हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में ही हो रहा है। अब मेक इन इंडिया का लोहा दुनिया में भी बजने लगा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल से नाइजीरिया 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड खरीदने की तैयारी कर रहा है। इन्हें खरीदने के लिए नाइजीरिया सॉफ्ट क्रेडिट की व्यवस्था करने में लगा है। मालूम हो कि नाइजीरियाई सेना के अफसर ध्रुव हेलीकॉप्टर उड़ाने की प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रचंड इसी हेलीकॉप्टर पर बना है। जानते हैं प्रचंड हेलीकॉप्टर की हर खासियत के बारे में विस्तार से। दरअसल प्रचंड वजन के लिहाज से काफी हल्का हेलीकॉप्टर माना जाता है। इससे सीन पर दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलती है। प्रचंड में 2 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसकी लंबाई 51.10 फीट है, जबकि इसकी ऊंचाई 15.5 फीट है। वजन की बात करें तो इसका वजन 5,800 किलोग्राम है। ये हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकता है। इसका कॉम्बैट रेंज 550 किलोमीटर है। इस हेलीकॉप्टर की एक और खासियत जो इसे खास बनाती है वो है इसकी उड़ने की क्षमता। यह एक बार में लगातार 3.25 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर को ध्रुव हेलीकॉप्टरों से विकसित किया गया है। भारतीय सेना को इस हेलीकॉप्टर की जरूरत 1999 में करगिल युद्ध के दौरान महसूस हुई थी। उसके बाद ही इस पर काम शुरू हुआ। अब अगर हथियार के लिहाज से देखें तो इस हेलीकॉप्टर पर एक 20 मिलीमीटर की M621 कैनन या फिर नेक्स्ट THL-20 टरेट गन लगा सकते हैं। 4 हॉट पॉइंट में रॉकेट, मिसाइल या बम भी फिट किए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर में लगे अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम से दुश्मनों को ढूंढ निकालना काफी आसान होता है। इसमें रडार और लेजर वार्निंग सिस्टम लगा है, जिसकी वजह से दुश्मन इस पर अटैक नहीं कर सकता है।